अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ कहानी आंटी सानिया और मैं आपको सुनाती हूँ वो कहानियाँ जो मुझे पसंद होती हैं। वैसे आपको अगर कोई कहानियाँ पसंद हैं तो वो भी सुना सकती हूँ कभी कभी। ज़्यादा कहानियाँ मेरी पसंद। छोटू मुसन्निफा हैं राबिया मुइन और मुसव्विरा हैं ईशा मसूद। तो जनाब छोटू की कहानी है कुछ यूं। क्या करूं मैं, कैसे बढ़ूं मैं, इतना सा ही रह जाऊंगा तो सब कहेंगे कि इतना छोटा सा हूं मैं। हादी ने बेचारगी से अपने आप को शीशे में देखते हुए कहा। शायद ऐसे लंबा हो जाऊं मैं, हादी ने लटकते हुए मानो से कहा। मानो ने खामोश रहने में बेहतरी जानी। लटकते लटकते हादी ने देखा कि उसकी तरफ असलम भाई चलते हुए आ रहे हैं। असलम भाई मोहल्ले के मशहूर पहलवान थे। ऐसे कुछ नहीं होगा बच्चू, तुम जो खाओगे वही बनोगे, असलम भाई ने हादी को हंसते हुए मशवरा दिया। असलम भाई की बात में दम तो है और लंबा होने का ये तरीका भी आसान है। ये सोचकर हादी को आया जोश और वो ग्लास पे ग्लास दूध पीता गया, अंडे पे अंडे खाता गया, तरह तरह के मेवे किलो पे किलो खाकर ख़त्म कर दिए और तो और दुकान से दो तली मछलियाँ भी लाकर खा गया। अगले दिन उठकर देखा तो हादी लग ही नहीं रहा था, लंबा सा एक खंबा लग रहा था। मैं तो इतना लंबा हो गया, ये टोटका तो काम कर गया, हादी खुशी से चिल्लाया। लेकिन हादी को देखकर मानो की तो आंखें ही फटी की फटी रह गईं। लेकिन ये क्या, तिनके जैसा पतला लग रहा हूं मैं, अब सब मेरा और भी मजाक उड़ाएंगे, हादी ने मायूस होकर कहा। एक काम करता हूँ, चिकनाई वाले खाने खाता हूँ, हादी ने खुद से कहा और जल्दी से एक पूरी बोतल तेल की पी ली। मक्खन की 5 टिकियाँ खाई, चीनी की 7 थैलियाँ फाकी और पनीर के 10 टुकड़े हड़प कर गया और फिर उस सब को हजम करने के लिए 5 बोतलें कोल्ड ड्रिंक भी हड़प कर गया। रात तक हादी गुब्बारे की तरह फूल चुका था और अब तो उससे चला भी नहीं जा रहा था। मानो भी उसको देखकर अफसुर्दा हो रही थी। हाय रे, ये तो सब कुछ उल्टा ही होता जा रहा है, अब तो लोग गैंडा बुलाएंगे, कुछ करना पड़ेगा, हादी ने परेशानी से कहा। फिर हादी को एक हल सूझा। उसने सोचा सब्जी और फल तो बेहतरीन ग़िज़ा हैं, वो खाऊंगा तो शायद फिर से ही हो जाऊंगा। हादी धीरे धीरे से बावर्ची खाने की तरफ गया और एक दर्जन केले, 6 आम, 3 सेब और एक बड़ा गुच्छा अंगूरों का खा गया। फिर उसे 5 गाजरें और 3 खीरे नज़र आए तो वो भी खा लिए और ताजगी के लिए कुछ पुदीने के पत्ते भी चबा लिए। अगली सुबह हादी उठते ही शीशे की तरफ भागा और ये देखकर खुशी से झूम उठा कि अब वो थोड़ा पतला भी हो गया था और कद भी अच्छा नजर आ रहा था। अब तो कोई मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा, अब मैं बिल्कुल सही लग रहा हूँ, हादी इंतहाई एतमाद के साथ बोला। मानो ने भी हाँ में हाँ मिलाई। रात तक हादी का कद छोटे से छोटा होता गया, ऐसा लग रहा था जैसे किसी गुब्बारे में से आहिस्ता आहिस्ता हवा निकल रही हो, अब वो पहले जैसा हो रहा था। कैसी, अच्छी ना, मुझे तो छोटू बड़ा ही क्यूट लगता है, आपको कैसा लगा?